बंसीलाल से आचार्य राजनीति विज्ञान श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में व्यवस्था सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने से पहले व्यवस्था क्या होती है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, इनके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले डेविड ईस्टन ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत आउटपुट में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अधिकारपूर्ण निर्णय के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्व है और इन परिणामों को निर्गत आउटपुट कहा जाता है। किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें निरंतर निवेश इनपुट होता रहे। निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती। निर्गत के बिना उसके कार्यों को समझा पहचाना नहीं जा सकता। डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत को इस रेखाचित्र के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। एक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के भीतर एक राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट्स के रूप में मांगे आती हैं, उन मांगों को समर्थन मिलता है, वो मांगे राजनीतिक व्यवस्था के भीतर जाती हैं और राजनीतिक व्यवस्था उस पर डिसीजन करती है, वो डिसीजन आउटपुट निर्गत के रूप में आते हैं, उन निर्णयों का समाज में प्रतिक्रिया होती है और वो प्रतिक्रिया फीडबैक के माध्यम से पुनः नए इनपुट्स को जन्म देती है। तो इस रेखाचित्र में ये जो निवेश हैं, इनपुट्स हैं, फीडबैक है, राजनीतिक व्यवस्था है और ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था जिस वातावरण में काम करती है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले है इनपुट्स निवेश प्रकार। निवेश से तात्पर्य मांग तथा समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगे रखी जाती हैं। इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है। जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। यह समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। तो इनपुट्स दो हैं, मांगे हैं और उन मांगों को मिलने वाला सपोर्ट है। तो फिर मांगे डिमांड्स क्या हैं? मांग मन की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारिक आवंटन के लिए उन लोगों से जो कि इसको करने के लिए उत्तरदायी हैं कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मांगे कई प्रकार की हो सकती हैं। उद्देश्य
वह संख्या की दृष्टि से मांगे तीन प्रकार की हो सकती हैं, संकीर्ण मांगे, विशिष्ट मांगे तथा सामान्य मांगे। मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है, उनका बहाव सदैव सत्ता की ओर होता है। मांगों के दो रूप होते हैं, सुझाव तथा निर्देश। मांगे दो प्रकार की होती हैं, स्पष्ट तथा अस्पष्ट। मांगे व्यक्तिक स्वार्थ तथा जनहित दोनों से संबंधित हो सकती हैं, अर्थात मांगे संकीर्ण हो सकती हैं, विशिष्ट हो सकती हैं, सामान्य हो सकती हैं, व्यक्तिक हो सकती हैं, जनहित से जुड़ी हुई हो सकती हैं, स्पष्ट हो सकती हैं, अस्पष्ट हो सकती हैं, और वो दो रूप में होती हैं, या तो वो सुझाव के रूप में होती हैं या निर्देश के रूप में होती हैं, और मांगों का बहाव हमेशा सत्ता की ओर रहता है। अब दूसरा है मांगों को मिलने वाला समर्थन, सपोर्ट। राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है, कार्य करने के लिए समर्थन का होना बहुत ही आवश्यक है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है, जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को परिवेश से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन करना संभव नहीं हो पाएगा। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समर्थन आवश्यक है। जैसा आपने देखा कि मांगों को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। अधिकारी वर्ग या राजनीतिक नेतृत्व डिसीजन तभी ले पाता है जब डिमांड्स को सपोर्ट प्राप्त होता है। बिना सपोर्ट के नेतृत्व का मांगों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। अब हैं आउटपुट्स, निर्गत प्रकार। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती हैं। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। निर्णय व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। निर्गत क्या है, आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो भी मांग आई उसको सपोर्ट मिला, राजनीतिक व्यवस्था ने उस पर डिसीजन किया, और जो बाहर एनवायरनमेंट में जो डिसीजन निर्णय आया वो निर्गत है। इस निर्गत का समाज में क्या फर्क, क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, और फिर समाज में उसके विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया हुई, वो सब फीडबैक है। तो अगला है फीडबैक। निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारी गणों के पास आती हैं उसे फीडबैक कहते हैं। जो भी डिसीजन लिया गया है, जिन मांगों को ध्यान में रख के लिया गया है, वो मांगें पूरी हुई हैं या अधूरी रह गई हैं, उन पर जनता का क्या फीडबैक आया है, क्या प्रतिक्रिया हुई है, वो सब फीडबैक है। और वो फीडबैक व्यवस्था में पुनः इनपुट्स का कार्य करता है, और ये फीडबैक नए इनपुट्स को, नई मांगों को जन्म देता है, और उन मांगों को समर्थन मिलता है। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। नई मांग पैदा हो गई, उनको सपोर्ट मिला, फिर राजनीतिक व्यवस्था में गई, राजनीतिक व्यवस्था में डिसीजन हुआ, निर्गत के रूप में बाहर आया, समाज में आया, समाज में उस पर प्रतिक्रिया हुई, पुनः डिसीजन हुए, फीडबैक मिला, और वो फीडबैक नए इनपुट्स को जन्म देता है। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है।
ये राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित परिवेश में कार्य करती है, निश्चित एनवायरनमेंट में कार्य करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था एनवायरनमेंट को किस प्रकार प्रभावित करती है और किस प्रकार एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। तो अगला है परिवेश, वातावरण, एनवायरनमेंट। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था आदि की तरह एक उपव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसके परिवेश से आंशिक रूप से इसकी सहयोगी उपव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्व है तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था उसके बाद जिस परिवेश में वो कार्य कर रही है उससे प्रभावित होती है, वहाँ के जो जैविक तत्व हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनसे वो प्रभावित होती है, समाज के जो रीति रिवाज हैं, समाज का जो सिस्टम है उससे प्रभावित होती है। थैंक्स। अगले वीडियो में पढ़ेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत।